फ्रेंड्स, वेलकम बैक बी 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 एन ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे अष्टम पाठ्य के अभ्यास कार्यम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है लिखितम, और उससे पहले जो आता है मौखिकम, उनका आपको उच्चारण करना है और उनका हिंदी अर्थ करना है। ठीक है, तो मंजूषात उचित सर्वनाम चित्वा वाक्यानि पूर्यति। यानी मंजूषा, ये जो डार्क रेड में ऐसे पिंक में दे रखे हैं ना, इनको मतलब हाईलाइट किया गया है। एक मंजूषा यानी बक्सा पेटी बनाई गई है, उसमें से इनको सर्वनाम को चुन करके और सही वाक्य बनाना है। तो क्या सर्वनाम है? स सा तत्। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एषः एषा एतत् ते ता ताः तानि एते एताः एतानि। इनको करने से पहले बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके अर्थ आने चाहिए आपको कि सह का क्या अर्थ होता है, पुल्लिंग के लिए या स्त्रीलिंग के लिए। सा का तत् का क्या अर्थ है, एषः एषा एतत् का क्या अर्थ है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग किस किस के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, तो जैसे सा शिक्षिका पाठयति, वह शिक्षिका पढ़ाती है, पाठयति यानी पढ़ाती है। तो शिक्षिका आ की ध्वनि आ रही है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या आया सर्वनाम सा। तो ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है, देवः अस्ति, देव है, विसर्ग लगा हुआ है, ए की ध्वनि है, पुल्लिंग है, तो क्या आएगा सह देव अस्ति। एक ही बताऊंगी आपको, बाकी के आपको करने हैं। ठीक है, चक्रम चलती, तो देखो चक्रम मैं की ध्वनि आ रही है, मकार लगा हुआ है, तो नपुंसकलिंग होता है, तो क्या आएगा तत् चक्रम चलती। ठीक है, अजा आ की ध्वनि आ रही है, अजा, तो सा अजा चरती, वह बकरी घास चर रही है या चर रही है। ठीक है, अब इसी प्रकार ऐशा ऐशा एतत् का आपको करना है, तत्ते तानी ते तहा तानी का बता देती हूँ, बालकाः नमन्ति, देखो पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो पुल्लिंग का पहले सर्वनाम निकालो, सह तौ ते, क्या आएगा ते बालकाः नमन्ति, वे बालक नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, फिर है पत्राणि पतन्ति, तो अनेक पत्ते गिर रहे हैं, तो क्या है पत्ते नपुंसकलिंग, कैसे पता चलेगा, पत्ते का प्रथम एकवचन क्या होता है पत्रम, तो पत्रम मैं लगा हुआ है, तो मैं लगा हुआ है, मकार लगा हुआ है, तो नपुंसकलिंग है, तो क्या आएगा नपुंसकलिंग का सर्वनाम तत् ते तानि, तो अनेक है, एक पत्ता होता पत्रम पतति, तो तत् पत्रम पतति है ना, और पत्रे पततः, तो ते पत्रे पततः, और यहाँ अनेक है पत्राणी पतंती, तो तानी पत्राणी पतंती। ठीक है, महिलाहा महिला महिले महिलाहा, तो स्त्रीलिंग का सर्वनाम सा ते ताहा, तो क्या आएगा ताहा महिलाहा हसंती। फिर फलानी संती, फलम फले फलानी तत्ते तानी, तीनों में तीसरे में कौन आया बहुवचन का तानी और फलानी, तो तानी फलानी संती। ठीक है, आप ये कर लोगे, एते एताह एतानी, एते एते यानी ये दो, एताह ये सब, एतानी बहु एतानी भी बहुवचन है, ये सब किसके लिए नपुंसक के लिए, तो जैसे जनाहा, तो जन है जनऊ जनाहा, तो क्या आएगा पुल्लिंग का है, तो इसमें एताह तो स्त्रीलिंग का है, एतानी नपुंसक का है, एते जनाहा भ्रमंती, पुष्पाणी पुलिंग नपुंसकलिंग है, तो क्या आएगा एतानि पुष्पाणि विक्षन्ति, बालकाः तरन्ति, तो एते बालकाः तरन्ति, अब बालिकाः, तो बालिका में आएगा एताः बालिकाः हसन्ति। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया आपका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम, रंजितात् रंजितान यानी रंगे हुए पदान आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी जो रंगे हुए पद हैं कलरफुल है उनको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। छात्रा लिखती, तो छात्रः लिखती, पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग के लिए क्या प्रश्न निर्माण करोगे, कह लिखती, कौन लिखता है, शिक्षिका पाठयति, तो शिक्षिका पढ़ा रही है, तो आपको प्रश्न निर्माण करना है कौन पढ़ा रही है, का पाठयति, नरौ नरव क्या है वदत है, तो दो आदमी बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, क्या आएगा कौ वदत है। ठीक है, तीन मैंने बता दिए, तीन आप करोगे, ते बालकाः सन्ति, वे सब बालक हैं, तो क्या करोगे वे सब कौन है, ये प्रश्न निर्माण करोगे। चक्राणी चलंती, तो क्या चल रहे हैं, ऐसे प्रश्न निर्माण करोगे। बालिके नृत्यतः,
तो दो बालिकाएं जो है नृत्य कर रही है, तो कौन दो नृत्य कर रही है ये आप बनाओगे। मैं देखना चाहती हूँ आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, अपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए हैं, नेक्स्ट वाले अगले वीडियो में, अगले वीक में करेंगे। ओके बाय, थैंक यू। जब तक 3 दिन आप इनको अच्छे से पढ़ना और समझना। ठीक है, बाय।